हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है धनिया पंजीरी पाक बनाना। तो आइए, जन्माष्टमी के अवसर पर हम धनिया पंजीरी पाक बनाते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी धनिया लिया है पिसा हुआ, और एक छोटी कटोरी हमने फूल मखाने लिए हैं। इनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है। एक छोटी कटोरी मैंने देसी खांड ली है, थोड़े सा इलायची पाउडर और थोड़े से बादाम कटे हुए, थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ और थोड़ी सी हमने किशमिश ली है। तो आइए बनाते हैं हम धनिया पंजीरी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैंने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच घी डालूँगी। घी को मैं गर्म होने देती हूँ, घी हमारा पिघलने लगा है। अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूंगी। बादाम को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। बादाम हमारे भुनने लगे हैं। और बादाम हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर मखानों को भी डाल दूंगी। मखानों को भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। गैस को हमें स्लो पे ही रखना है। मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं हमारे मखाने। अब मैं इन्हें भी प्लेट में निकाल लेती हूँ। इन्हें भी मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। मैंने मखानों को भी प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच घी फिर से डालूँगी। अब मैं इसके अंदर ये धनिया को भून लूंगी। और धनिया भी हमारा भून चुका है, इसे भी मैं प्लेट में ही मिक्स कर लूंगी। धनिया के ही साथ मैं ये किशमिश डाल देती हूँ, जिससे कि ये हल्की सी भुन जाए किशमिश। और साथ में ही मैं ये पिस्ता डाल दूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और धनिया को मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। धनिया को भी मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और साथ ही मैं इसमें ये देसी खांड डाल देती हूँ और इलायची पाउडर डाल दूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये हमारी धनिया पंजीरी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसे मैं एक
बाउल के अंदर डाल लूंगी। और ये हमारी धनिया पंजीरी पाक बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।